नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल जीके जीत सर के अंदर। अपन देखिए संस्कृत पढ़ रहे थे, अपने चार संधियां और उनके जो अपवाद थे उनके बारे में अपन पढ़ लिया। आज अपन पढ़ते हैं, देखो बहुत ही सरल सी संधि है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे बहुत ही सरल संधि है ये, लगभग सभी को आती भी है, जो शुरुआत से चलती है। तो ये दीर्घ संधि बहुत ही इजी संधि है, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ फायदा मिल सके। तो दोस्तों अपन चलते हैं, देखो दीर्घ संधि, सबसे पहले अपन इसके विधायक सूत्र की बात कर लेते हैं। दीर्घ संधि विधायक सूत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विधायक सूत्र कौन सा, इसका विधायक सूत्र है उकालो है हर्षव दीर्घ पलुत है। उकालो उकालो है हर्षव दीर्घ दीर्घ पलुत है, ये इसका क्या है विधायक सूत्र है। ठीक है, उकालो है हर्षव दीर्घ पलुत है, ये इसका क्या हो गया विधायक सूत्र हो गया। कि उकाल क्या होता है, उकाल वाला स्वर, इसका अर्थ होता है उकाल वाला स्वर, उकाल वाला स्वर हर्षव दीर्घ पलुत होता है। स्वर हर्षव दीर्घ दीर्घ पलुत, ठीक है, दीर्घ व पलुते संज्ञा के होता है, यह आपको ध्यान रखना है, दीर्घ व पलुते संज्ञा के होता है, संज्ञा के होता है। तो ये तो विधायक सूत्र है, वैसे ही ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछते हैं। अब अपन संधि कार्य की बात करते हैं, संधि कार्य सूत्र, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संधि कार्य सूत्र ये आपको विशेष रूप से मतलब ध्यान में रखना है, संधि कार्य सूत्र कौन सा हो जाएगा, बहुत ही मुख्य सूत्र है। अकय सर्वर्णी दीर्घ, अकय सवर्णी सवर्णी दीर्घ, अकय सवर्णी दीर्घ। देखो अक अक प्रत्यार बनाएंगे अगर, है ना, अक प्रत्यार बनाते हैं। देखो अक प्रत्यार अपन बनाएंगे ए ई ऊ री और लरी, ठीक है, ए ई ऊ री और लरी, इनका क्या हो जाता है, ये जो स्वर है ये जो स्वर है ये जो स्वर है इनका क्या हो जाएगा, ये जो स्वर है इनका क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घ, ये इस संधि का नियम है। ठीक है, देखो अक अक प्रत्यार अगर हम बनाएंगे ए ई ऊ री और लरी, सवर्ण का मतलब स्वर, ये क्या हो जाते हैं दीर्घ हो जाते हैं, मतलब ए और ए मिलकर के आ हो जाते हैं, ई और ई मिलकर के बड़ी ई, ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, और री मिलकर के बड़ी री, और लरी मिलकर के बड़ी लरी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मैं इसकी अगर वर्ती की बात करूं, इस सूत्र की अगर वर्ती की बात करें तो वर्ती देख सकते हैं आप, ठीक है ना, वर्ती देखो अक अक सवर्णी अक सवर्णी अचि परे, सवर्णी अचि परे अचि परे अचि परे दीर्घ एकादेश दीर्घ एकादेश एकादेश सयात, ये इसकी क्या हो गई वर्ती हो गई। देखो अक सवर्णी अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात, कि अक 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 का मतलब ए ई ऊ री लरी, सवर स्वर है उसके परे क्या हो अच अच वर्ण हो, तो इसमें क्या हो जाएगा दीर्घ एकादेश हो जाएगा, मतलब समान स्वर जब इसमें मिले तो उसमें कौन संधि हो जाती है, ये दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ समान स्वरों के मेल, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों तरफ क्या मिलेंगे इसमें समान स्वर, दोनों तरफ समान स्वर, दोनों तरफ समान स्वर मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं समान स्वर। ठीक है,
मिले तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अक, अक का मतलब ए ई उ री और लरी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब स्वर उसके बाद में भी अच परे हो, अगर अच प्रत्यार परे हो, ए ई उ री लरी, ये अगर परे हो तो दीर्घ एकादेश हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दीर्घ, वैसे भी दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा का मतलब आ ई उ बड़ी री और बड़ी लरी, ये आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे एक तरफ ए हो, इधर भी ए हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा आ, इधर ए हो इधर आ हो, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आ, अगर इधर आ हो और इधर ए है तो भी क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर आ है तो भी दीर्घ क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार ई का हो जाएगा, ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, प्लस में भी ई हो बड़ी ई हो तो क्या हो जाएगा बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ का हो जाएगा, ऊ चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्लस, ठीक है, ऊ बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार री है, री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी बड़ी री हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार लरी है, लरी प्लस लरी क्या हो जाएगा बड़ी लरी, ठीक है। ये वैसे पूछते नहीं है लरी वाला, ये चार तक ही इसके अंदर आते हैं ज़्यादातर मुख्य रूप से, ठीक है, ये आप नियम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए और ए मिल करके आ, ई और ई मिल करके बड़ी ई, ओ ऊ और ऊ मिल करके बड़ा ऊ, और ई मिल करके बड़ी री हो जाएगी। तो ये इसका नियम आपको ध्यान रखना कि समान स्वर जब दोनों तरफ मिले, दोनों तरफ समान स्वर मिले तब उसमें कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे या फिर संधि शब्द में आपको दीर्घ शब्द मिले, दीर्घ वर्ण मिले, सॉरी दीर्घ वर्ण मिले, आ बड़ी बड़ा ऊ बड़ी री और बड़ी लरी, तो उसमें कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये आपको नियम समझ में आया होगा। देखो आपको इतना ही ध्यान में रखना है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जब बड़े स्वर जिसमें मिल रहे हों तो उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, और ए मिलकर के बट आ मिलेगा, ई और ई मिलकर बड़ी ई, ऊ वो मिलकर बड़ा ऊ, और री मिलकर के बड़ी री। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, चलो जैसे उदाहरण, जैसे आ गया हिमालय, ठीक है, हिमालय आ गया, ठीक है। अब आपको पता कैसे लग रहा है, देखो माँ में आ रहा है, आ रहा है ना, जैसे अपन तोड़ सकते हैं शब्दों को, ही माँ को तोड़ेंगे तो मैं और आ गया, ठीक है। अब इधर ले और ये आ गया, ठीक है, आ गया, तो आप आगे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले अपन पूरे शब्दों को भी तोड़ के देख सकते हैं। तो इधर ए या आ करेंगे एक तरफ, और एक तरफ भी क्या करेंगे, प्लस में भी ए और या आ, ये अपने को सेट बैठाना है, अपने को क्या करना है, सेट करना है शब्दों में, उस शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, उसी प्रकार से अपन सेट करेंगे। जैसे ही, अब मैं है, मैं में ए जोड़ेंगे तो हिम बन गया, हिम का मतलब होता है बर्फ, प्लस इधर आ, ए जोड़ेंगे तो अल्ले बनता है, अल्ले का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो आ जोड़ेंगे तो आले, हिम प्लस आले, आले का मतलब होता है घर, मतलब बर्फ का घर हो गया। अब देखो वापस करेंगे तो इसमें इधर ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा आ, जैसे मैं है, मैं को तोड़ेंगे तो ए निकल गया, ठीक है, प्लस में आ गया, आ गया, आगे लय है, ठीक है। अब ए और आ मिल करके आ हो जाएगा, अब आ को मैं में जोड़ देंगे, बन गया हिमालय, इसी प्रकार बन जाएगा विद्यार्थी, 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 विद्या प्लस अर्थी, इसी प्रकार विद्यालय बन जाएगा, देवालय बन जाएगा, ठीक है ना, ये आ के उदाहरण है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो आगे के उदाहरणों में, मैं आगे के उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। जैसे आ गया एग्जाम में, आ गया जैसे रविंद्र आ गया, जैसे क्या आ गया रविंद्र, ठीक है, रविंद्र आ गया। अब वी आ गया, देखो वी में ई आ रहा है बेटा, ई आ रहा है तो अपन तोड़ करके देख सकते हैं, वह वी को तोड़ लो, वह और बड़ी ई, ठीक है, और न और दर, ठीक है। अब बड़ा ई आ गया तो दोनों तरफ आपको ई करना है, इधर भी ई, ई प्लस में भी आपको क्या करना है, छोटी ई या बड़ी ई, ई आपको सेट बैठानी। जैसे रे, वह में क्या जुड़ेगा, वह में ई जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे तो रवि बन जाएगा, रवि का मतलब होता है सूर्य। फिर इधर इंद्र शब्द लिखते ई, न और दर,
इंद्र में ई क्या आता है, छोटा आता है, तो ई रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। वापिस करेंगे, देखो संधि विच्छेद में कैसे पता लग रहा है, संधि विच्छेद में मतलब दोनों तरफ समान स्वर मिलेंगे, दीर्घ संधि में आपको ध्यान रखना है दोनों तरफ समान स्वर संधि विच्छेद में, और संधि शब्द में आपको दीर्घ वर्ण मिलेंगे, दीर्घ स्वर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे, देखो रे व ई, इधर भी ई है और न और दर है, ठीक है। अब ई और ई को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, तो रे व में ई जोड़ेंगे, वी बड़ी हो गया और रविंदर बन गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आ गया ऊ का अपन देखते हैं, जैसे आ गया भानुदेय, भानुदेय, भानुदेय आ गया, नून में देखो ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है ना, ऊ आते ही आपको पता लग गया, आगे बात सुन में ऊ आते ही पता लग जाएगा। जैसे भा नू को तोड़ेंगे तो न और बड़ा ऊ हो गया और दई हो गया। अब देखो ऊ है, ऊ के स्थान पर एक तरफ ए छोटा ऊ या बड़ा ऊ करना है, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और एक तरफ छोटा ऊ या बड़ा ऊ करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर देखेंगे अपन, भा न में ऊ जोड़ेंगे नू हो जाएगा प्लस उदय, भानु प्लस उदय, उदय ये, ठीक है, भानु का मतलब क्या होता है सूर्य, सूर्य का उदय। अब देखो इधर देखते अपन ऊ आ रहा है और इधर भी ऊ आ रहा है, जैसे इधर भा नू को तोड़ेंगे तो न और ऊ हो गया और इधर दे और ये, ठीक है। अब ये बड़ा ऊ कर देंगे तो बन जाएगा भा, न में ऊ जोड़ देंगे तो नू बड़ा हो गया और भानु दे बन गया, भानुदय विष्णुदय, इसी प्रकार से बनता है विष्णु दे विष्णु प्लस उदय, ठीक है ना, इस प्रकार के उदाहरण है। फिर अपन देखो आगे के उदाहरण देखते हैं, जैसे आ गया ये आप उतार भी सकते हैं साथ साथ में, ठीक है ना, जैसे आ गया पितृणम, पितृणम, अब देखो देखते ही पता लग रहा है री में री बड़ा आ रहा है, तो इस शब्द को तोड़ लो आप, री बड़ा आ रहा है पता लग गया, पी पी त्री को तोड़ेंगे ते रे नहीं सॉरी री पित्री प्रश्नम, अब ये बड़ा री आ गया, बड़ा री आ गया तो दोनों तरफ अपने को क्या करना है, री करना है, क्या करना है, री करना है, री करना है, ठीक है। अब ये बन गया पी, ते में री जोड़ेंगे तो त्री बन जाएगा पित्री प्लस ये री ण और मैं, री ण और मैं पित्री प्लस ऋणम, ठीक है। वापिस करेंगे, देखो संधि विच्छेद में दोनों तरफ समान स्वर आ रहा है, री इधर और इधर री आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगी, तो पी ते री, ठीक है, इधर भी री है छोटी री है पर नए और फिर मैं, ठीक है। अब री और री को करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा, तो बन जाएगा पितृणम, ये बड़ी री कर देंगे, ठीक है ना, तय में री को जोड़ देंगे, पितृणम हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद में अपने एक दो और देख लेते हैं, जैसे आ गया श्रीस, श्रीस, ठीक है, शीर्ष आ गया, शीर्ष है, तो शीर्ष से आ गया, तो इसमें देखो ई बड़ा आ रहा है, क्या है ई बड़ा, तो स को तोड़ते हैं तो ई बड़ा आ गया, ठीक है, इधर रे स, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ई बड़ा आ रहा है, अब अपने को करना क्या है, दोनों तरफ ई करना है, ई छोटी या बड़ी, इधर भी ई छोटी या बड़ी करना है, ठीक है। अब देखो श्री, श्री हमेशा बड़ी आती है तो श्री लिख दिया प्लस ईस लिखते हैं तो ईस में भी ई क्या आता है, बड़ा आता है, इधर भी अब ई है और इधर भी ई है, दोनों जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, बन जाएगा श्रीस। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे आ गया मातृणम, इधर आ गया मातृणम, तो क्या बन जाएगा, मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम। और भी मैं आपको लिख देता हूँ उदाहरण, जैसे आ गया, इसके अलावा भी जैसे कई उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आ गया दीपावली, तो क्या बन जाएगा, आर है दोनों तरफ ए या आ कर देंगे, एक तरफ ए इधर भी ए कर देंगे, तो दीप प्लस क्या हो जाएगा, दीप प्लस अवली, दीपों की माला, ठीक है, दीपावली हो गया। उसी प्रकार हम करेंगे मुक्तावली, मुक्तावली भी बना सकते हैं, होत्रिकारा भी बना सकते हैं,
होत्री कार है, होत्री प्लस क्या हो जाएगा, रिकार है, होत्री कार है, होत्री प्लस रिकार है, ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण है जो अपन बना करके दे सकते हैं। तो ये सारे क्या थी, दीर्घ संधि थी। तो एक बार मैं फिर आपको वापस रिविजन करवा देता हूँ। देखो ये विधायक सूत्र है, उकालो हर्षो दीर्घ पलुत है। वैसे नहीं पूछने ज्यादातर कि उकाल वाला स्वर हर्षो दीर्घ व पलुत संज्ञा के होता है। फिर संधि कार्य सूत्र क्या हो गया, अकय सवर्णीय दीर्घ, मतलब ए ई उ री ओ लरी ये स्वर है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब ए का आ ए समान स्वर मिलके आ हो जाएगा, ई समान स्वर मिलकर बड़ी ई, ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री री मिलकर के बड़ी री, मतलब दोनों तरफ क्या होने चाहिए, समान स्वर। ये वर्ती आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अकय सवर्ण ने अची परे, कि अक सवर्ण के अच परे होने पर दीर्घ एकादेश से हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको ये उदाहरण बता दिए, अब इनके अपवाद भी बहुत सारे। तो अपन देखो, अपन ने जो गुण संधि के अपवाद वर्धि के पढ़ लिए थे, अपवाद वर्धि के थोड़े रह भी गए थे, उसके साथ साथ में अपन दीर्घ और पररूप उनके अपवाद भी पररूप संधि करने के बाद में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तीनों के, ताकि तीनों में जो तुलनात्मक रूप से हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये थी दीर्घ संधि, बहुत ईजी थी इसलिए मैंने आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।